श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा के पावन चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी महापुरुषों का, संत महानुभावों का, दिग्गजनों का, प्रबुद्धजनों का संत सुरक्षा मिशन में हार्दिक अभिनंदन वंदन। संत सुरक्षा मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि आज संतों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उन्हें नहीं मिल रही, सरकार नाना प्रकार से सभी वर्गों के लिए व्यवस्था कर रही है। हमारी ये सरकार से मांग रहेगी कि सरकार एक आयोग का गठन करे जिसके तहत संतों की सुरक्षा, संतों की व्यवस्था, संतों का सम्मान समाज में उत्तरोत्तर बढ़े, क्योंकि जब संत का समाज में सम्मान बढ़ेगा तो देश की उन्नति होगी। क्योंकि तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कायर कुलटाकूर। जिस देश में, जिस प्रदेश में संतों का आदर होता है वो देश धनधान आदि से समृद्ध रहता है, संपन्न रहता है। उस देश की कीर्ति दिग्दिगांतर में सर्वता फैलती है, उस देश का विकास होता है। जहाँ पर संतों को, गऊ को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को नाना प्रकार से त्रसित किया जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें दीन मान करके और इस प्रकार से उनका अनादर किया जाता है, उस देश का कभी विकास नहीं होता। इसलिए सर्वदा संतों का आदर होता चला आया। और नवधा भक्ति के क्रम में भगवान श्री राम ने सबरी से स्वयं कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखें पर दोषा। और उसी क्रम में कहा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते मुझसे अधिक संत का आदर होना चाहिए, क्योंकि संत के आदर से भगवंत का आदर हो जाता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा संत भगवंत में अंतर निरंतर नाही। इसलिए